नमस्कार। आज 2 अक्टूबर की पहली बुलेटिन है। 2 अक्टूबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जयंती है। क्या मुजफ्फरपुर के लोग जानते हैं गांधी जी मुजफ्फरपुर कितनी बार आए थे? जी हाँ, गांधी जी मुजफ्फरपुर 3 बार आए थे अपने जीवन काल में। एक बार 1917 में, फिर 1920 में, और फिर जब 1934 की भूकंप हुई थी उसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पर कुछ पुराने धुरंधरों को इस बार हम नहीं देख पाएंगे, जो चुनावी रैलियों की अहम किरदार होते थे, जैसे कि लालू यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान इस बार चुनावी प्रचार के चेहरे नहीं होंगे। चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है। देश और राज चलता है तो रोग से चलता है। वही अन्याय नहीं करना चाहिए। और इन चीजों को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के जो लोग हैं, सभी मीडिया नहीं, सभी प्रिंट मीडिया नहीं, ये रिपोर्टर नहीं। रिपोर्टर तो कुछ दिन में ही लोग अपना लिखना पढ़ना रिपोर्टिंग करना भूल जाएगा। जो इनका मालिक है, जो डिक्टेट करता है, ये क्या करेंगे लड़के युवा? चुनाव आयोग का बिहार दौरा चल रहा है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी है और रैलियों पर भी रोक नहीं लगाया है। बिहार की सियासी जंग में प्रियंका गांधी कूद पड़ी हैं। सीटों के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय जनता दल से वो खुद बात करेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, पर कुछ बिजनेस सेक्टर्स अभी भी बुरे दौर में चल रहे हैं, जैसे कि चुनाव के माहौल में प्रेस वालों, पोस्टर बनाने वालों, टेंट लगाने वालों, लाउडस्पीकर भाड़े पर देने वालों की चांदी होती थी, पर इस बार वो सब नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार इस बार डिजिटली होगी, वर्चुअल रैलियां होंगी, कैंपेन होगी, तो इस बार बदला बदला होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। के चर्चित छोटन शुक्ला कांड के 26 साल हो गए हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर में 26 साल पहले एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जो 4 दिसंबर 1994 को हुई थी, और 5 दिसंबर को उससे भी बड़ी हत्याकांड हो गई थी, जब गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी की हत्या हो गई थी खबड़ा गांव के समीप। एक रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर के सबसे चर्चित छोटन शुक्ला हत्याकांड के 26 साल हो गए। लंबी जांच के बाद पुलिस हथियारों की सुराग नहीं लगा पाई। अंततः ब्रह्मपुरा पुलिस ने केस को सत्य और सूत्रहीन बताकर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। ब्रह्मपुरा थाने के तत्कालीन एएसआई रविंद्र कुमार के बयान पर दर्ज इस केस में अब अनुसंधान बंद हो गया। 4 दिसंबर 1994 को चांदनी चौक के समीप में कार में सवार छोटन शुक्ला और उनके 4 समर्थकों की अंधाधुन फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद खबड़ा में उग्र भीड़ का निशाना बने थे गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी। 5 दिसंबर को खबड़ा गांव में गुरुवार को मुजफ्फरपुर में चुनाव कार्य की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी सह मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा देखते हैं एक रिपोर्ट। 2020 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज प्रेस नोट जारी हुआ है, उसी के क्रम में आज यहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को चुनाव की तैयारियों के लिए सभी कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को 100% पालन कराना है। सुरक्षित मतदान पहली प्राथमिकता होगी। सभी आरओ को कहा गया कि मतदान के एक दिन पहले सभी बूथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। मतदान के दिन प्रत्येक वोटर को एक ग्लव्स देना है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग से वॉलंटियर की तैनाती होगी, जिसके लिए उन्होंने 2 दिन पहले एनसीसी कैडेट्स से भी वर्चुअल संवाद किया था। और 6 फुट की दूरी पे एक गोला बनेगा, यानी इस बार लाइनें लंबी होंगी मतदान केंद्र में, और सभी वोटरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। वैसे मतदान केंद्र जहां अधिक भीड़ होने की संभावना है, उसके लिए अभी से माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश दिया है, पर मतदान के दिन देखते हैं क्या क्या होता है। मुजफ्फरपुर के एक्टर अक्षत ने आत्महत्या कर ली मुंबई के अमरोली थाने के अपने आवास पर। मुजफ्फरपुर में 0 एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। 0 एफआईआर का मतलब होता है कांड कहीं भी हुआ हो, किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में हो, एफआईआर कहीं भी हो सकती है।
विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, नेता रात भर जाग रहे हैं। काश ये नेता चुनाव के समय नहीं बल्कि जनता के लिए जागते तो सीटों का मिलना पक्का होता पहले से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिस्कोमान परिसर में 75 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के नेता की बताई जाती है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट, जैसा कि अभी जानकारी है वो फरार बताए जाते हैं। बुधवार की रात बिस्कोमान भवन के पास कार से बरामद 75 लाख रुपए के मामले में पुलिस ने गुरुवार को सासाराम के होटल कारोबारी और राजद नेता संजय सिंह के घर सासाराम में छापामारी की। हालांकि संजय घर पर ताला लगाकर परिवार समेत फरार हो गए हैं। आयकर का भी शिकंजा कसता चला जा रहा है। बिस्कोमान भवन के पास ही जहां से कार पकड़ी गई, आसपास संजय मौजूद थे। पुलिस की कार्रवाई होता देख धीरे से खिसक गए। सुनू ने भी कहा था कि संजय भी पटना आए थे, पर वे कहां चले गए इसकी जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एक MLC ने ये रकम टिकट दिलवाने के लिए संजय से मंगवाई थी। रकम की डिलीवरी बुधवार की रात ही होनी थी। मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें वार्षिक चुनाव में पुरुषोत्तम लाल पोद्दार नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पटना में कपिल देव कामत समेत 201 नए मामले मिले हैं कोरोना के। जी हां, कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। BEd प्रवेश परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। 96.6% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 94,276 लोगों ने फॉर्म भरे थे। 91,495 लोग उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि BEd कॉलेज में सीटों की संख्या 36,100 ही है। बिहार यूनिवर्सिटी की BA पार्ट 1 की परीक्षा भी 14 अक्टूबर से ली जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से भी बचें। चुनाव का कार्यक्रम भी चल रहा है, अपना जीवन यापन भी करें।